हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं चना दाल की पूरी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें 500 से 750 ग्राम के लगभग आटा लगेगा, चना दाल लगेंगे, ये हल्दी है, मैंने 2 चम्मच नमक लिए या 1 चम्मच के लगभग, छोटी चम्मच से मैं इसमें आटे में डाल दूँगी और दूसरे चम्मच में चना दाल जब कुकर में पकाऊँ उस समय मैं डालूँगी। हल्दी भी उसी में डाला जाएगा। ये अदरक ग्राइंड किया हुआ है, हरी मिर्च दो हरी मिर्च को कट कर लिए हैं, ये 10 से 12 लहसुन कट किया हुआ है, धनिया पत्ती रिफाइन है तड़का लगाने के लिए, 1 गिलास के लगभग पानी जो मैं डाल करके चना दाल को पहले मैं पकाऊँगी। मैंने फूलने के लिए नहीं डाला, मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ इसकी पूड़ियाँ। आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन करके कुकर में दाल डाल करके उसमें नमक हल्दी डाल करके इसका वो ढक्कन लगा दी हूँ, और मैं अब इसे 3 से 4 सीटी दिलवाने के बाद मैं इसे उतार लूँगी। तब तक मैं आटा मिलाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले नमक डालूँगी। देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है, छोटे वाले स्पून से मैंने नमक डाला और 2 स्पून के लगभग मैं इसमें अधिक रिफाइन में नहीं डालूँगी, 2 से 3 स्पून के लगभग ही रिफाइन आप यूज करके इसको मिक्स कर लें। इसको ऐसे मिक्स कर और 1 गिलास पानी मैंने उसमें यूज किया है, मैं मिला करके रख लूँगी तब तक। अभी इसी तरह मिला लें, मिल चुके हैं, इसमें थोड़े थोड़े में पानी डाल करके देख सकते हैं, एक बार पूरा पानी ना डालें, यही आप ही मिक्स करके इस आटा गूंथ लें। 2 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी जो अच्छे से ये नज़र। आप ही इसी तरह सानी इसको मिलाएं अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर लिए हैं, 3 से 4 सीटी दिलवा करके मैं इसको ठंडा कर ली हूँ। मैं इसे खोल करके इसमें का जो दाल है उसे मैं निकाल लूँगी, निकाल कर बाउल में मैंने पानी थोड़ा सा डाला है। और इसी तरह से कल देखिए दाल अच्छे से गल चुके हैं, इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और हाँ, इसका जो पानी जो बचेगा उससे मैं आटे में मैंने थोड़े से पानी का यूज किया और मैं उसमें डाल दूँगी, इससे प्रोटीन बहुत होता है, इसलिए आप भी फेंके नहीं प्लीज़ इसकी। 200-300 ग्राम के लगभग मैंने डाल लिए हैं। अभी इस तरह दाल जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तड़के में मसाले डालूंगी, वो आप लोग को उसकी मात्रा बताती जाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने पैन को गर्म कर लिया है, कढ़ाई को, और आप धीमी फ्लेम मैंने तेज फ्लेम करके गर्म कर लिया था इसको, और मैं इसमें अब 1 चम्मच के लगभग बड़ी चम्मच से मैं तेल डालूँगी इसमें। आप इतना ही तेल का यूज करें, अगर अधिक खाते हो तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं जीरा डालूँ, देख सकते हैं ये गर्म हो चुके हैं, क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म थी। लहसुन भी डाल लें, ग्रीन हरी मिर्च और अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 से 2 इंच का अदरक मैंने लेकर के कद्दूकस कर लिए थे, इन सबको तो थोड़ी कम लगे तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, लगभग छोटी वाली स्पून से 1-1 स्पून से लगभग, और
सबको अच्छे से भूने। आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें, आधी चम्मच से कम ही है, हींग मैंने डाल दिए सभी आपने। अब मैं इसमें मसाले, ये थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आधी स्पून के लगभग मैं सब्जी मसाला और आधी स्पून से थोड़ा कम मैं सब्जी मसाला और गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। मिर्च पाउडर भी उसी के अनुसार जैसा आप दिखा, आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं आधी स्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हैं। नमक पहले से इसमें डाला हुआ था जो मैंने आप लोग को बताया है, ऐसे ही मिक्स करते हुए आगे इस तरह इसको सुखा लें अच्छे से भून लें। भूनने के बाद में इसमें तब मैंने इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया है। देख सकते हैं तो पूरी तरह से भून चुके हैं और अच्छे से सूख भी चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और गैस में खुला ही रखूँगी। तो मैं पैन कम फ्लेम करके पैन चढ़ा दूँगी जिसमें मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। प्लेट में टुकड़े करके आप कर ले कि ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं इसकी फीलिंग आपको बताती हूँ इस तरह से फील करना। इसको मैं पैन में ही कम तेलों में ही बनाऊंगी क्योंकि अधिक तेल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए मैं आज फ्राई या तलूंगी नहीं, इसे कम तेल में ही सेक करके बनाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूंथ लिया है। तो मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी और देख सकते हैं ऐसे ही आप भी लोइया बना लें। और ये आटे मैंने लिए हैं सूखे आटे लेकर के, इसको ऐसे ऐसे देखिए फिलिंग कर ले। आप देख सकते हैं ऐसे ही आप भी लोइया कर ले और चने की दाल से फिलिंग कर ले, इसको ऐसे करके फिलिंग दबाते हुए करें। अब देख सकते थोड़ा सा आटा लगा करके इस पर इसको हम बेल लेंगे। हाथ से भी आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बेलन का यूज कर लेंगे। तो सेक देते हुए देख सकते हैं पैन गरम मैंने पहले से कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे एक चम्मच तेल डाल करके उसको मैंने पलट लिए हैं। आप भी इसी तरह ले और दूसरी पूड़ियाँ मैंने सेक ली यहाँ पे बेल लिए हैं, दो तीन मैंने लोई भी कर लिए हैं देख सकते हैं। एक चम्मच तेल डाल करके मैंने इसको सेक लिए हैं। आप भी इसी तरह धीमी फ्लेम पे सेक लें। आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये फूल चुके हैं। आप भी इसी तरह ले चुके हैं, मैं ये अब निकाल लूँगी। दूसरी पूड़ी भी मैं इसी तरह सेक लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने पूड़ियाँ बना ली है, मैं इसे सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे सॉस के साथ चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी चने दाल की पूड़ियाँ हैं। प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें और कैसा बना वो मुझे से शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।